बेटे, खुशी के बारे में बहुत सी बातें हम समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि हम समझना जरूर चाहते हैं ताकि हम उसके चारों तरफ उसका एक मनपसंद माहौल बना सके। खुशी तुम्हें इतना पसंद करती है ये हम लोग नहीं जानते थे। अंकल, खुशी मुझे क्यों इतना पसंद करती है ये तो मैं भी नहीं जानती। इतना जरूर जानती हूँ कि खुशी के साथ मुझे भी ऐसा लगता है जैसे जैसे हमारा कोई पुराना संबंध है, जैसे एक ही बंधन में हम बंधे हैं। ये सब बातें तुम्हें तुम्हारी बहन मुस्कान की याद दिलाती हैं। बहुत ज्यादा, शायद इसलिए मुझे खुशी के साथ एक खिंचाव महसूस होता है। अंकल, यही पल यही लम्हे मैंने अपनी मुस्कान दीदी के साथ बिताए हैं। लेकिन मुस्कान दीदी तो अब इस दुनिया में रही नहीं। कितनी अजीब बात है ना, दो लोग कितने एक जैसे हो सकते हैं, जैसे खुशी और मुस्कान दीदी। नीलिमा बेटे, क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हारी बहन मुस्कान का देहांत कब और किन हालात में हुआ? माफ करना बेटे, बट नहीं अंकल, इट्स एब्सोल्युटली ओके। 6 साल पहले एक हादसे में, 18 अक्टूबर को। बेटे, एक मिनट। हाँ माँ, हाँ मैं बस आ रही हूँ, 2 मिनट मम्मी। ओके ओके, बाय। सॉरी, मुझे जाना होगा, मम्मी बाहर इंतजार कर रही है। ओके अंकल, नमस्ते। नमस्ते दादाजी, खुशी को मेरा प्यार दीजिएगा। बाय। नीलिमा की बहन मुस्कान की मौत 6 साल पहले हुई और खुशी का जन्म 5 साल पहले। क्या मुस्कान की मौत और खुशी के जन्म का कोई संबंध है?